बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लाल दाल, जिसे मसूर की दाल कहते हैं, कि बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये मैंने पहली दफ़ा बनाई है, क्योंकि हमारे घर में हमेशा मसूर और मूँग की दाल को मिक्स करके बनाया जाता है, जो कि बहुत मज़े की बनती है। लेकिन जब मैंने इसे सिर्फ अकेली पकाया तो यकीन करें कि इतनी टेस्टी बनी कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने बनाई है। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने वो कौन सी तीन सीक्रेट चीज़ें इसमें डाली हैं जिससे इसका मज़ा दुबाला हो गया है। और ये तीनों चीज़ें जो है वो वीडियो के आखिर तक डलेंगी, इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, और साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताती जाऊँगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मसूर दाल की डिलीशियस रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर देखें, मैंने 250 ग्राम मसूर की दाल ली है और इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, क्योंकि बाज़ औक़ात इसमें कंकर वगैरह भी होते हैं, लेकिन ये चूँकि बहुत अच्छी क्वालिटी की है, इसमें कोई चीज़ नहीं थी। तो मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश किया और वॉश करके मैंने इसे 4 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया। अगर आप लोगों के पास कम टाइम हो तो आप 30 मिनट्स के लिए भी इसे भिगोकर रख सकते हैं, या फिर 1 घंटे के लिए भी भिगोकर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा देर भिगोएंगे तो दाल देखें फूल कर डबल हो जाएगी, और फिर ये गलने में बहुत टाइम नहीं लेगी, बल्कि बड़ी आसानी से जो है वो गल जाएगी। तो यहाँ पर अब हमारी दाल जो है वो तैयार हो गई है, तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस दाल को पकाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, और ये सुर्ख प्याज हैं, इनको हम रफली काट कर ये मैनुअल चॉपर में डाल देंगे और 2-3 दफ़ा घुमाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर बिजली भी नहीं है तो ये कितना ज़बरदस्त काम करेगी, और प्याज देखें आपके कितने फाइनली जो है वो चॉप हो जाएंगे। तो हमने प्याज भी चॉप करके रख लिए हैं, तो चलिए अब इसको पका लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दाल मसूर को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और उसके अंदर 1/2 कप ऑयल डालेंगे। यहाँ पर आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का कर लें, जैतून का कर लें, जो आपका दिल करता है कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देते हैं, और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑयल गर्म हो गया। अब हमने जो प्याज चॉप करके रखे हुए हैं वो प्याज डालेंगे, और यहाँ पर अब हमने प्याज को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है, यानी लाइट ब्राउन करना है। तो इसलिए प्याज को फ्राई करते हुए 5 मिनट जो है वो लग जाएंगे। तो यहाँ पर मैं प्याज फ्राई करती हूँ, और आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, और प्यारा सा कमेंट करें, और ताकि आपका कमेंट पिक भी किया जाए और पिन भी किया जाए और वीडियो में भी चलाया जाए। और यहाँ पर एक मेरी बहुत ही प्यारी बहन नसीम अख्तर है, जो कि सिंगापुर से देख रही हैं, और उन्होंने मेरी रेसिपी की बहुत तारीफ़ की है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद किंजा कुकिंग है, उन्होंने भी मेरी रेसिपी की बहुत तारीफ़ की है, और इसके बाद जो है वो इरफान खान है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे जो 2 लोग हैं, एक इरफान खान है और एक मिसबा फातिमा, ये दोनों मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं। और इरफान खान ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी शेफ होंगी आइंदा, और मेरी दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की भी दे, और इनकी हर मुश्किल जो है वो आसान कर दे। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो बाहर के ममालिक के देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप लोगों की तय दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज बहुत अच्छी तरह से लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हमने इसमें 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, और उसको भी 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से सौते करना है, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चा पान है वो भी दूर हो जाए। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अदरक लहसुन को भी अच्छी तरह से भून लिया है। अब यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, कि हमने इसमें जो टमाटर डालने हैं ना वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में डालने हैं, तो उनको मैंने चॉप कर लिया है और वो डालेंगे। और इसके साथ ही हम 1 खाने का चम्मच जो है वो नमक डाल देंगे, और दूसरे आप लोग अपनी मर्ज़ी के या टेस्ट के मुताबिक भी नमक डाल सकते हैं। 1 दफ़ा मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अब हमने 2-3 चम्मच पानी डालना है और ढक्कन लगा देना है, और इसको 2 मिनट के लिए मीडियम से भी कम आंच पर पकाएंगे, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो बहुत अच्छी तरह से गल जाएं। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, और अगर कोई चंक्स आपको नज़र आए तो आप लोग चम्मच के साथ दबाकर
हम इसे तोड़ भी सकते हैं। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे और इन मसालों में सबसे पहले हम 1 टीस्पून लेवल हल्दी पाउडर डालेंगे। यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा हल्दी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं और यही पहली सीक्रेट टिप है, क्योंकि हल्दी से एक तो हमारी जो दाल है उसका कलर बहुत अच्छा आएगा और दूसरा ये है कि इसका टेस्ट भी मुख्तलिफ होगा। और दूसरे हम इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इसके साथ ही हम 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और इसके बाद हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और यहाँ पर दोबारा से हम इस मसाले को 3-4 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। और अगर मसाला आपका नीचे लग जाए तो आप थोड़ा सा पानी डालकर रब इसको भून सकते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह से भून गया है। अब हमने जो दाल धोकर रखी हुई है वो दाल इसके अंदर डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर जो प्याले के साथ दाल लगी है वो भी हम सारी इसके अंदर डाल लेंगे। और डालने के बाद अब हम इसमें 3 सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद यहाँ पर दाल को हम 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनेंगे, क्योंकि भूनने से दाल का जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का आने वाला है और इसके अलावा जो हम सीक्रेट चीज़ें डाल रहे हैं उनसे भी टेस्ट जो है इसका दुबाला हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1-2 मिनट के लिए दाल को भून लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसमें दूसरा सीक्रेट जो है वो डालने वाले हैं। यहाँ पर अब हमने इसके अंदर गर्म पानी डालना है। मैंने चूल्हे पर गर्म पानी जो है वो कर लिया है और यहाँ पर हमने माप कर 7 कप पानी डालना है। मेरे पास मेयरिंग कप है जो कि ऑनलाइन मिलते हैं, तो वो मैंने 7 कप पानी लेकर गर्म किया और वो गर्म पानी अब हम इसके अंदर डालेंगे और मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हमने ढक्कन लगा देना है और 30 मिनट्स के लिए इसको पकने देना है। यहाँ पर देखें हम कढ़ाई में पका रहे हैं और दूसरे ये कि ये दाल का जो गलना होता है ना ये पानी पे डिपेंड करता है कि बहुत सारे इलाके जो होते हैं वहाँ पर दाल जल्दी से गल जाती है और कुछ इलाके होते हैं कि वहाँ पर दाल गलने का नाम ही नहीं लेती, तो फिर कुकर में पकानी पड़ती है। तो यहाँ पर अगर आप कुकर में पकाएंगे तो 2-3 सीटी लगेगी तो आपकी दाल जो है वो गल जाएगी। अब हम इसको दाल को पकाते हैं और फिर देखेंगे कि क्या हमारी दाल जो है वो गल गई है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारी बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने MDC के नाम से एक दस्तरखान बनाया हुआ है। यहाँ पर हर माह एक डेग पकाकर इसका खाना फ्री में गरीब और मस्कीन बच्चों में तकसीम किया जाता है और ये डेग मेरी YouTube की इनकम से बनाई जाती है। इसकी 2 वजूहात हैं, एक तो ये कि डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया था और अल्लाह पाक ने मुझे दोबारा से ज़िंदगी दी और इसकी वीडियो जो है वो स्क्रीन पर चल रही है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें सारी तफसील बताई गई है। और दूसरे ये कि हदीस मुबारक जो चल रही है, इस हदीस ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं अल्लाह की राह में खाना पका कर जो है वो तकसीम करूँ, क्योंकि रिस्क बांटने से बढ़ता है। और अगर मेरे पाकिस्तानी और बाहर के ममालिक के जितने भी व्यूअर्स हैं अगर वो भी इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं तो और अपने प्यारों के नाम की देग पकाकर तकसीम करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मुझसे राबता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। 30 मिनट हो गए, अब हम अपनी दाल को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल जो है वो बहुत अच्छी तरह से गल भी गई है और इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी है ये अब मज़ीद हम इसको खुला बनाएंगे तो पकाएंगे तो 2 मिनट के बाद ये पानी भी इंशाल्लाह जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसके अंदर 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसके साथ ही हम ढेर सारा धनिया डालेंगे और इसको 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे। लेकिन यहाँ पर दाल जो है वो गल तो गई है लेकिन अभी दाल कम्प्लीट नहीं हुई। अब हम इसके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तड़का लगाएंगे और ये तीसरा ट्विस्ट होगा जो हमारी दाल को 4 चांद लगा देगा। तो यहाँ पर अब हम तड़का बनाने के लिए एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर 3 खाने के चम्मच मक्खन डालेंगे और जब मक्खन मेल्ट हो जाएगा तो फिर हमने 3 जवे चॉप किया हुआ लहसुन डालना है और इसको 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब लहसुन गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हमने 1 चाय का चम्मच भरकर इसमें साबुत कच्चा सफ़ेद ज़ीरा डालना है और जब ज़ीरा जो है कड़कड़ाने लग जाएगा तो फिर हमने 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है। यहाँ पर अगर आप लोगों के पास कड़ी पत्ता है तो डाल सकते हैं लेकिन मेरे इलाके में कड़ी पत्ता जो है वो नहीं मिलता। तो यहाँ पर अब हमारा तड़का जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया। अब हम आधा तड़का जो है वो दाल पर लगाएंगे और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और मिक्स करेंगे और बाकी तड़का जो है वो हम दाल को डिश आउट करेंगे तो फिर लगाएंगे। तो चलिए दाल को डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फाबिया ये अलाई रबी कुमत का जीबान
कि मेरे परवरदगार ने इतनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो बहुत सारी दाल की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर अपलोड हैं, उन्हें भी देख लें, वो भी बहुत मज़े की हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।